गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के इंग्लिश के पहले चैप्टर का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने पहले बना दिया है, पार्ट टू अब हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि व्हाट इज द लॉस व्हिच इज जॉय एंड नॉट सॉरो। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि व्हाट इज द लॉस, वह क्या चीज है जिसको इट्स मतलब त्याग देने से इट्स जॉय नॉट सॉरो आनंद मिलता है ना कि दुख मिलता है। देखिए यहां पे युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर यानी कि क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे, तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। फिर यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज दैट, वह क्या है बाय गिविंग अप जिसके त्याग से विच अ मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनवान बन जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया डिजायर यानी कि वह इच्छा है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। आगे लिखा है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है। इज द इट बर्थ गुड कंडक्ट आर लर्निंग, मतलब जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से। आंसर डिसिजिबली, डिसिजिबली का मतलब होता है निर्णायक, यानी कि निर्णायक उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी कि जन्म या लर्निंग मतलब ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छे आचरण से मनुष्य ब्राह्मण बनता है। हाउ एवर लर्न्ड ए पर्सन मे बी, एक आदमी चाहे कितना भी विद्वान हो, He will not be a ब्राह्मण, तो वह ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा without giving up bad habits, जब तक कि उसकी बुरी आदतें उसके अंदर से न निकल गई हो, यानी कि बिना बुरी आदतों को त्याग किए वह ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। इवेन दो, यद्यपि या यहाँ तक कि ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, यहाँ तक कि वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, यानी कि बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा नीची श्रेणी में गिना जाता है। फिर यक्ष ने कहा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, यानी कि प्रतिदिन मानव प्राणियों को, क्रिएचर मतलब प्राणियों को, यम्स किंगडम मतलब यमलोक में जाते हुए देखते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन, और फिर भी जो लोग जीवित हैं, वांट टू लीव फॉर एवर, वो सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, और वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब प्रश्नों के उत्तर दिए। इन द इंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, वन ऑफ योर डियर ब्रदर्स
कैन नाउ बी रिवाइव्ड, यानी कि हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनः जीवित कराना चाहते हो? इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड। इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट, यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। एंड देन, और उसके बाद ही विश्ड, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन मतलब हो जाएगा मेघ बर्ण वाला। लोटस आईड मतलब कमल नयन। ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला। नकुल यानी कि नकुल, लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो यह एबोनी मतलब होता है आबनूस के पेड़ के समान, लेइंग मतलब पड़े हुए थे। माइट राइज मतलब उनको जीवित कर दिया जाए, यानी कि युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, यक्ष इस पर प्रसन्न हो गया और उसने युधिष्ठिर से कहा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया? आपने नकुल को भीम की प्रेफरेंस मतलब अपेक्षा क्यों पसंद किया? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, मतलब जिसके भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि आप सबसे ज्यादा भीम को चाहते हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, यानी कि जिसकी भुजाओं की शक्ति, इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति आपकी रक्षा करती है या आपकी रक्षा के लिए है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, यानी मुझे बताइए आपने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन, यानी कि मनुष्य का जो शील्ड मतलब रक्षक है या कवच है, वह धर्म है, ना तो भीम है और ना ही अर्जुन है। इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रून, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। आई एम एलिव ए सन ऑफ कुंती, यानी कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं। एंड सो, और इस प्रकार से सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, यानी कि इस प्रकार से वह पूर्ण रूप से शोकाकुल नहीं है, यानी कि पुत्र से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, और न्याय के तराजू में, मे बी इवेन, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव, मैं चाहता हूं कि माद्री के पुत्र नकुल को रिवाइव मतलब पुनर्जीवित कर दिया जाए, ताकि न्याय का तराजू जो है वो बराबर रहे। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता।
यक्ष जो था वह युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, यानी कि उसके सब भाई जीवित उठे। युधिष्ठिर के सभी भाइयों को उन्होंने जीवन दे दिया। इट वॉज यम, यह यम थे यानी कि यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट मतलब ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सके एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वो वहां से अदृश्य हो गए।